विद्यायाम अमृतम मश्नुत। और सोचा कि जीवन को अचीव कर लिए, कुछ अचीव नहीं किए, क्योंकि मन का माइंड का अचीवमेंट नो मोर अचीवमेंट, वो अचीवमेंट है ही नहीं, क्योंकि वो अचीवमेंट सब जीव जंतुओं को आपसे बेहतर प्राप्त है, क्योंकि उसके पास खाली माइंड ही है, उसके पास हार्ट का जानकारी है उसके पास, लेकिन उस चीज को जानने की जो उस दृष्टि है वो ईश्वर ने उसे नहीं दिया और वो आपको दिया है, इसलिए आप उसको कभी मत भूलिए। अगर आप उसको भूलेंगे ना तो मानव जीवन को कभी नहीं समझिए। तो क्या कहता है कि आपको आपका शरीर जड़ है, ध्यान दीजिए, आप इसे जानते हैं कि आपके शरीर में कहां तक जड़ है, तो ये जान लीजिए कि आपके शरीर में मन बुद्धि तक जड़ तक तो है, आपके शरीर में 12 तत्व जो है वो जड़ तत्व है, ये 12 तत्व जो है ना, 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और मन बुद्धि। इसलिए देखिए गीता में जो कहते हैं कि जो है छिटी जल पावक गंसा की मन प्रकृति अष्टधा, मन बुद्धि और अहंकार सहित 8 मेरी प्रकृति है, मतलब जड़ है, जड़ प्रकृति मतलब जड़ है, वहां पर आपका जड़, इसलिए मन बुद्धि से सिर्फ जड़ चीज कर सकता होता है, ध्यान दीजिएगा, विज्ञान क्या है, मन बुद्धि से चलता है, तो मन बुद्धि से जब विज्ञान चलता है तो हर चीज उसका जड़ होगा, जड़ मतलब नाशवान, याद रखिए जड़ का मतलब नाशवान। तो कहता है क्या कि आपके पास मनुष्य के पास 2 तत्व है, एक अविद्या तत्व है, अविद्या जो जड़ तत्व है, नाशवान तत्व है, और एक है विद्या जो अमृत तत्व है। इस विद्या तत्व अमृत तत्व को जानने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को है। तो वो क्या कहता है, देखिए वेद संपूर्ण चीजों को कहता है, मनुष्य जीवन मतलब संपूर्ण जीवन मनुष्य क्या है, तो वो कहता है कि छलन तू अविद्या, आप कितना भी अचीव कर लीजिए मन माइंड से, वो सब नाशवान है, और नया से नया बिल्डिंग, नया से नया एरोप्लेन, नया से नया अस्त्र बना लीजिए, एक दिन नाशवान है वो सारा, क्योंकि मन बुद्धि तक नाशवान तक था। और छलम तू अविद्या, इसलिए छल का अमृतम तू विद्या, और सिर्फ विद्या जो आपके हार्ट में है वो अमृत तत्व है। अविद्या अविद्या ईशते यस्तु सो अन्य, मनुष्य जो है वो दोनों पर शासन करने वाला ही मनुष्य है, जो अविद्या को भी जाने और विद्या को भी जाने। अविद्या को इसलिए जाने कि वो उसकी आवश्यकता है, लक्ष्य नहीं है, ध्यान दीजिए, आवश्यकता और लक्ष्य में फर्क है। आवश्यकता मतलब कि जैसे यहां से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन की आवश्यकता है, बस या एरोप्लेन की आवश्यकता है, लक्ष्य है दिल्ली, तो आवश्यकता लक्ष्य नहीं है। तो माइंड का जो है, माइंड का शरीर का जो आपकी आवश्यकता है वो आवश्यकता है, और हमने अपने मनुष्य जीवन में उसी को लक्ष्य बना लिया। हमारा बेटा बहुत बड़ा अफसर हो गया, मान लिया गया, हमें खूब मकान मकान हो गया, हमें पैसे की कोई कमी नहीं है, ये सब को अगर अचीवमेंट समझते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जड़ तत्व को ही अचीव कर रहे हैं, जो कि एक आवश्यकता है, गोल नहीं है। तो वो क्या कहता है, देखिए वेद कितना महत्वपूर्ण बात कहता है, अगर आप उसको ध्यान तो मानव जीवन यात्रा को आप ठीक से समझेंगे। वो कहता है अन्नतमा प्रविशन्ति जे अविद्यामुपाशते, कहता वो अंधकार में भटकता है जो जड़ नाशवान चीजों के पीछे पागल है। फिर देखिए वेद क्या करता है, ततो भूयिमे तमोजेहु विद्यामृता, और जो इन जड़ चीजों की आवश्यकता को छोड़कर सिर्फ कहता है कि हम वृद्धि पाएंगे, तो वो उससे अंधकार में भर चुका है। जान लीजिए वेद क्या करता है, क्यों, क्योंकि जब शरीर नहीं जाएगा तब अचीव कैसे,
तो साधन के लिए जिन जिन तत्वों की जरूरत है वो तो आपको चाहिए। तत्व को छोड़कर सिर्फ अमृत खोजता है वो उससे भी अंधकार में जा रहा है। तो कहता क्या करना चाहिए मनुष्य जीवन में, तो कहता विद्याम च अविद्याम च यस्तत्वेदो भयं सः, जो उस जड़ चीज को भी देखिए ध्यान दीजिए कभी निर्माण कार्य भी कर लेकिन नहीं मरने दीजिए, मतलब कि आप घाट में पड़े हैं उस कौवे की तरह जो अमृत के अमृत का कुंड से अमृत पी लिया और उसके बाद मरना चाहता है मतलब से, तो दूसरा कौवा है पीने गया वहां, तो उस कौवे ने कहा रुको पहले हमको देख लो तब पीना, मतलब देखो कि हम मरना चाहते हैं लेकिन देखो कि पड़े हुए हैं और सड़ रहे हैं लेकिन मरते नहीं है, मतलब कि पी लिए, मतलब कि उस अमृत का जरूरत अविद्या जो है उस कौवे की तरह आपको जिंदा रख सकेगा लेकिन अमृत नहीं देगा, इसलिए कहता है अविद्या मृत्युं तीर्त्वा, आप अविद्या से मृत्यु को जीत सकते हैं लेकिन अमृत नहीं मिलेगा। विद्यायाम अमृतम अश्नुते, वो अमृत तो आपको विद्या से ही मिलने वाला है और वो विद्या क्या है, अपने आत्म तत्व का ज्ञान, आपके भीतर जो प्रकाश है उसका ज्ञान जो है वही विद्या है, उस विद्या को जानिए पहले। अगर मनुष्य और हमें भी बात पता है, आप छोड़िए नहीं जानते, छोड़िए मैं ये कहता हूं नहीं जानते हैं, लेकिन आप एक चीज याद रखिए मैं उनके अवयवों को बता देता हूं, कहता है कि मन बुद्धि का जो धन है, मन बुद्धि का जो धन है संपत्ति है वह छल प्रपंच धोखा समझे रे, इसके माध्यम से अचीव करना, झूठ कैसे भी करके उसको अचीव करना, ये उसका उसकी संपत्ति है मन का माइंड का, और उसकी संपत्ति क्या है ध्यान दीजिए, उसकी संपत्ति है प्रेम बुद्धि से नहीं, क्योंकि बुद्धि से तो सभी प्रेम चल रहे हैं, उनको आजकल बड़ी खातरी मांग रही है क्यों, क्योंकि तो उससे उनका बड़ा भारी काम सिद्ध होने वाला है, हम नेताओं की खुद खातरी कर रहे हैं प्रेम हृदय का तत्व है करुणा, हृदय का तत्व है संवेदना, हृदय का तत्व है सहानुभूति, हृदय का तत्व है सेवा, अगर इन तत्वों को आप ले रहे जीवन में तो ये हृदय के तत्व है और ये तत्व लेने के कारण मनुष्य जीवन आपका सफल हो जाए। आप कुछ मत कीजिए, आप प्रेम को एकदम निष्काम निश्चल देन कीजिए, आप दूसरे के प्रति करुणा, करुणा माने दया नहीं, ध्यान दीजिएगा दया में अहंकार होता है, आप पर दया कर दिए लीजिए आपको दे दिए, करुणा मतलब जिसमें अद्वैत रहता है, हम और आप में कोई फर्क नहीं है, आप दुखी है तो हम ही दुखी है, ये है करुणा, वो करुणा का भाव जब जगता है तो आपसे आंसू निकलते हैं, तब जब उसके प्रति आप आगे बढ़ते हैं सहानुभूति तो सेवा भाव जो है वो दिव्यता ले आता है, इसलिए कहा जाता है कि सुषम आद्रयति, जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाए वो मनुष्य है, ध्यान दीजिए दूसरे, क्योंकि दूसरा कोई नहीं है आप ही दुखी हैं, ये हृदय की वाणी है, याद रखिए हृदय में एकता है और माइंड में एकता है, ध्यान दीजिए हृदय में एक तत्व है उसमें कोई विरोध नहीं होता है, अगर इस भाव को आप अगर विकसित कर सकें तो आप समझिए कि मानव जीवन अपने को देखते हुए हम लोग ऐसा है इसलिए शेष जो हमारे बीच आएंगे तो अपने आज का